पत्थर का अवैध उत्खनन कर रही डर्बो एवं एक जीप को किया नदनवारा रोड से जब्त, चालक मौके से फरार। खनियाधाना में डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। खनियाधाना सब रेंज की एक के बाद एक अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्यवाही देखने को मिल रही है। इसी अवैध उत्खनन को देखते हुए आज खनियाधाना डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया ने रेंजर अनुराग तिवारी के निर्देशन में आज पत्थर का अवैध उत्खनन कर रही एक टर्बो एवं एक जीप को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि खनियाधाना डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया को पत्थर का अवैध उत्खनन कर रही अवैध टर्बो की जानकारी बराबर मिल रही थी, पर दबिश देने पर उक्त लोग मौके से फरार हो जाते थे। इसी को देखते हुए आज जब मुखबरी द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, कसई खादान से एक जीव एवं टर्बो अवैध रूप से पत्थर भरकर खनियाधाना की ओर जा रही है। वहीं जब खनियाधाना डिप्टी रेंजर अपने मय दलबल के कसई खदान पर पहुंचे तो वहां से जीप एवं टर्बो अवैध रूप से पत्थर लेकर खनियाधाना की ओर निकल आई थी। जीप एवं टर्बो का पीछा करते हुए डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया ने नदनवारा रोड पर उक्त टर्बो एवं जीप को पकड़ लिया। फिलहाल जीप एवं टर्बो को पकड़ने के बाद चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। उक्त टर्बो में करीब 48 घन मीटर पत्थर फंसी भरी हुई है। खनियाधाना डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया ने जीप एवं टर्बो को खनियाधाना सब रेंजर लाकर रखा है। अब वन अधिनियम के तहत अवैध उत्खनन का मामला दर्ज कर लिया गया है। आज टर्बो के खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई हुई? सुबह 4 बजे सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर द्वारा कि कसई खलान पर एक टर्बो पत्थर गाड़ी भर रही है। वन परिचित अधिकारी को छोड़ श्री अनुराग तिवारी से निर्देश प्राप्त कर स्टाफ के साथ खलान पर पहुंचे। तब तक टर्बो गाड़ी पत्थर पटिए भरकर निकल आई थी। पीछा करने पर नदनवारा रोड पर इसको हमने जब्त किया है। टर्बो मिली है कि इसके साथ में वाहन? टर्बो और जीप है। और इसका चालक? इसका चालक मौके से छोड़ के भाग गया। इसमें कितना पत्थर भरा हुआ है? करीब 45-48 घन मीटर पे।